Hello students, good morning. In this video we are going to know question answers of chapter number 8 in the orchard. Orchard होता है बगीचा. तो बगीचे में नाम है आपका चैप्टर का और इसमें किस तरह से हम फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं बगीचे से और उनको कौन सा पार्ट हम खाते हैं ये सब इसमें बताया है. तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बताऊंगा. क्वेश्चन वन है, व्हाट डू वी ग्रो इन एन ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड में हम क्या उगाते हैं. आंसर, वी ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड. हम पौधे और पेड़ ऑर्चर्ड में बगीचे में उगाते हैं. प्लांट्स होते हैं पौधे और ट्रीज होते हैं पेड़. ग्रो का मतलब होता है उगाना. नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट पार्ट ऑफ अ फ्रूट डू वी ईट. हम फ्रूट का कौन सा पार्ट खाते हैं. आंसर, वी ईट ओनली अ सीड केस ऑफ अ फ्रूट. हम केवल उसका सीड केस जो सॉफ्ट और फ्लफी जो पार्ट होता है उसको खाते हैं और हम पूरा होल फ्रूट नहीं खाते हैं. पूरा फल नहीं खाते, उसके बीज नहीं खाते हैं. हम केवल उसका जो गिरी होती है, गुदा होता है, उसको ही खाते हैं. क्वेश्चन थ्री है, व्हाट ग्रोज फ्रॉम ब्लॉसम्स. फ्लावर्स से क्या उगता है. ब्लॉसम्स मतलब फूल, फ्लावर्स. आंसर, अ स्मॉल ग्रीन फ्रूट ग्रोज फ्रॉम ब्लॉसम्स. छोटे ग्रीन फ्रूट्स, हरे फल उस फ्लावर से, उन फूलों से उगते हैं. क्वेश्चन फोर है, व्हेन डू वी पिक फ्रूट्स टू ईट. हम फ्रूट्स फलों को कब निकालते हैं खाने के लिए. आंसर, वी पिक फ्रूट्स टू ईट व्हेन दे राइप. जब वे पक जाते हैं तो अब हम उन्हें निकालते हैं और खाने के लिए. क्वेश्चन फाइव, व्हेन व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फ्रूट्स. फल से हमें क्या प्राप्त होता है. आंसर, वी गेट प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रूट्स. तो हम उनसे प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स ये सब प्राप्त करते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है. क्वेश्चन सिक्स, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम क्रिल्स. क्रिल्स होते हैं CERELS. स्रिल्स होते हैं ऐसा अनाज जिसका हम आटा बना के खाते हैं. What do we get? उससे हमें क्या प्राप्त होता है. आंसर, we get carbohydrates from cereals. cereals से हमें carbohydrates मिलता है. Question 7. Name the foods that give us. कुछ नाम बताने हैं फ्रूट्स के, फूड्स के, पर जो भोजन हम खाते हैं उनका कुछ नाम बताने हैं जिनसे हमें ये सब प्राप्त होता है. प्रोटीन्स हमें प्राप्त होता है फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट एंड फिश से. नंबर टू, विटामिन्स. विटामिन्स हमें प्राप्त होती है फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से, मिल्क और फिश से. नंबर थ्री, मिनरल्स. मिनरल्स हमें प्राप्त होता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड फिश. नंबर फोर, कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है व्हीट, राइस एंड माइस. व्हीट होता है गेहूँ, राइस मतलब चावल एंड माइस मतलब मक्का या मकई. यह है क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर 8 के. मैच द फॉलोइंग. स्वे होता है टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. स्ट्रील्स होते हैं ग्रेन्स, अनाज दैट कैन बी यूज्ड टू मेक ब्रेड, जिससे हमें रोटी बनाने में जो काम आता है उसे स्ट्रील्स कहते हैं ऐसे अनाज को. हार्वेस्ट होता है जब फसल पक जाती है तो उसे निकालते हैं, उसको हार्वेस्ट कहते हैं. टू कट एंड गैदर अ क्रॉप. क्रॉप मतलब फसल. नंबर फोर, प्रोटीन. प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट का मतलब होता है टू सेव, बचाना किसी चीज़ को फ्रॉम हार्म और डेंजर, खतरे से बचाने को प्रोटेक्ट कहते हैं. ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड होता है एन एरिया, एक जगह फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स ट्रीज, जहाँ पर हम फ्रूट्स ट्रीज उगाते हैं. नंबर सिक्स, ब्लॉसम्स. ब्लॉसम्स होते हैं अ फ्लावर ऑन अ फ्रूट ट्रीज. फ
फलों के जो पेड़ होते हैं उनके जब फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उनको ब्लॉसम्स कहते हैं। यहाँ पर मिस स्पेलिंग है, इनको कंप्लीट करना है। जैसे RCE राइस की हाफ स्पेलिंग है, इसको कंप्लीट करना है RICE। यहाँ पर आई वर्ड, आई जो लेटर है उसको दिया है, आपको उसे सही जगह पर पुटअप करना है। तो ये मैंने इसमें लिख दिया है, इस तरह से आप इसको कर लेना। पढ़ देता हूँ। राइस राइप पीक डाइट फ्रूट अंटिल रैलिस स्प्रिंग सर्टेन प्रोटीन। टेक द राइट वर्ड टू फाइंड इन ईच ब्लैंक। यू शुड पिक द फ्रूट व्हेन इट इज, आपको तब फल निकालना चाहिए जब वो RIPE राइप, जब वो पक जाता है। नंबर टू, इट गिव्स ग्रेट प्लेजर PLEASURE प्लेजर टू ग्रो फ्रूट ट्रीज, आनंद देता है प्लेजर। नंबर थ्री, ही फेल डाउन द लैडर एंड ब्रोक हिज लेग। वो सीढ़ियाँ होती है लैडर, लकड़ी या पाइप का जो सीढ़ी होती है उसको लैडर कहते हैं। उस ही फेल डाउन, फेल डाउन मतलब गिर गया नीचे, द लैडर लैडर से सीढ़ी से, एंड ब्रोक हिज लेग और उसकी टांग टूट गई। लैडर LAWER लैडर होती है सीढ़ी। ये है आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर 8 के।